बात करें मुल्की मईशत की, एक जानब गवर्नमेंट की इंटेंशन अब ये लग रही है कि गवर्नमेंट शायद बहुत सीरियस नहीं है मुस्तकबिल करीब में IMF प्रोग्राम में जाने के लिए, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये वही हुकूमत है जो गुज़िश्ता तकरीबन एक साल में जो काम कर रही थी उसका बर्डन इमरान खान साहब पर डाल रही थी। क्लेम ये था कि IMF के साथ चूंकि डील्स हुई हुई हैं, IMF के साथ गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट की सिग्नेटरी है, इसलिए हम लोगों ने उनके ऊपर अमल दरामद करना है। अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलीफ दिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की सूरत में, वो रिलीफ उसका इम्पैक्ट बाकी चीज़ों पर कितना होना चाहिए था वो तो नहीं आ सका, लेकिन बहरहाल ये जो मुसलसल दूसरी मरतबा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, ये माइनर सा रिलीफ ज़रूर है पब्लिक के लिए। अब IMF क्यों पाकिस्तान के साथ जो मामलात को हतमी मराहल में नहीं लेकर जा रहा है? प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे, और अगर नहीं होते ये मामलात तय तो मुल्की मईशत अगले चंद महीनों में कहां पर खड़ी होगी, इसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर KS असलम साहब, माहिर मईशत हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है डॉक्टर साहब? खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? ठीक है। डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइएगा, वो हुकूमत जो IMF के तमाम मुतालबात के ऊपर बगैर रजिस्ट किए हुए अमल कर रही थी, IMF जो कह रहा था वो कुछ हुकूमत कर रही थी, अब अचानक टोन चेंज क्यों हो गई है गवर्नमेंट की? देखें जी, मेरा पर्सनल ख्याल हमेशा से ये है कि IMF जिसका मैंडेट नहीं है मगर वो एक ऐसी इलेक्टेड हुकूमत से डील करना चाहती है जो कुछ 5 साल की हो, जो वो मईशी पॉलिसी दे। चंद महीनों की हुकूमत से वो उनको थोड़ा सा बेल आउट तो वो कर सकते हैं, मगर तो वो चीजें अब सामने आ गई हैं। ये इन्होंने कोशिश की कि अमेरिका के थ्रू उनको समझा लें, मगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अपने प्रॉब्लम्स के इश्यूज थे कि आपने वोट नहीं दिया, अब्सटेन किया यूक्रेन के मामले में, आप चाइना से ज्यादा करीब हो रहे हैं, तो इन सारों में जो वो इंटरनेशनल प्रेशर भी है IMF पे, तो इनको ये समझ आई है कि रीनेगोशिएट किया जा सकता है और वो रीनेगोशिएट अगली गवर्नमेंट ही करेगी, इनको पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं तो ये इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की जो टोन चेंज हुई है ये IMF के रवैये में तब्दीली की वजह से हुई है। फिर देखिए बात ये है कि अगेन इनकी जो टोन थी ये यही समझते थे कि वो भी छोटे से ब्यूरोक्रेट हैं, हम जैसे अपने ब्यूरोक्रेट्स को डांट डांट लेते हैं हम उनके साथ भी कर लेंगे, उनको ये नहीं समझ आई कि वो इंटरनेशनल डोनर एजेंसी है और उन्होंने जो शर्तें लगाई हुई हैं, जो ट्रांसपेरेंसी देखना चाहते हैं, जो पॉवर्टी एलिविएशन देखना चाहते हैं, जो वन अकाउंट देखना चाहते हैं, उसमें वो बड़ी जल्दी चेंजेस चाहते थे, तो वो अब आके जब पैसे नहीं मिल रहे तो फिर अब टोन चेंज हुई है। मैं तो पहले समझता था कि IMF के अलावा भी कुछ बहुत सारे होंगे एवेन्यूज, मगर जब आप अपना घर को ही ठीक नहीं करेंगे तो फिर इतना ही है ना कि आपको मांगना पड़ेगा बार बार। लेकिन डॉक्टर साहब चलें, ये बात तो दुरुस्त है कि बहुत से एनालिस्ट बशमूल आपके, उनका कहना ये था कि जब तक हुकूमत नए इंतखाबात नहीं हो जाते और जो भी प्रॉपर गवर्नमेंट दोबारा नहीं आती तब तक IMF शायद चीज़ों को लिंगर ऑन करता रहे, लेकिन IMF ने फिर भी IMF का वफा दाया, उसने गवर्नमेंट के सामने शरायत रखी, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर अमल दरामद भी किया। आपके ख्याल में IMF भी प्रेशराइज्ड है, IMF को भी रोका गया है, जो आपने अमेरिका का जिक्र किया कि यूक्रेन के मामले में अब्सटेन था पाकिस्तान का, तो IMF भी इस वजह से हीले बहाने करता रहा और चीज़ों को लिंगर ऑन करता रहा? जी ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि IMF की हिस्ट्री है कि हमेशा से जब ये सोवियत यूनियन और अब रशिया के बारे में चीजें चलती हैं तो IMF अमेरिका के कहने पे प्रेशराइज करता रहे अपने मेंबर मुल्कों को कि वो उस साइड पे ना जाएं, वो इसी साइड पे रहें, तो अभी भी किसी ना किसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पता है आर्म ट्विस्टिंग कैसे करनी है इन ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वोटिंग राइट्स अमेरिका के पास कोई 18 हैं, आपके पास फ्रैक्शन है वोटिंग राइट का शायद 1 है, तो उसके अंदर भी फिर आप वहां तक नहीं पहुंचते जहां तक आप चाहते हैं कि आप पहुंचें। बट इन द एंड ऑफ थिंग्स मेरा ये ख्याल है कि जब तक आप अपने घर की इकोनॉमी को ठीक नहीं करेंगे, उसको नई सिमत में नहीं डालेंगे, ये रिस्पाइट जो है
आपको ज्यादा दूर तक नहीं लेके जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, अभी ये जो गवर्नमेंट ने दो मरतबा मुसलसल रिलीफ दिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की मद में, एक तो इस रिलीफ को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो बाकी चीजों पर आना चाहिए, यानी फॉर इंस्टेंस बिल्कुल जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है इसका वो किरायों के मद में आना चाहिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ्स हैं, आप इन रिलीफ्स को कैसे देख रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि ये रिलीफ्स तो क्योंकि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल हैं, बट वेलकम करता हूं मैं इन रिलीफ्स को। मगर जो बात आप कर रहे हैं वो हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि टाइम फ्रेम तीन होते हैं, एक होता है इमीडिएट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा किसी चीज पे भी, और एक है शॉर्ट टर्म, उसमें अगर ये कंटिन्यू रहता है ये प्राइस जो है इस वक्त इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, तो फिर ये शॉर्ट रन में ये इम्पैक्ट आप देखेंगे, मतलब इमीडिएट पे ये रिलेट ही नहीं होता। और फिर लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में तो कैपेसिटी की इशू है प्राइवेट सेक्टर का, बट इन द एंड ऑफ थिंग्स ये एक दो महीनों में आपको चेंज ही नजर आएगी। अच्छा, जब तक आप इस बजट के बाद शायद चेंज नजर आए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ये जो हम देख रहे हैं कि पहले अगर हम माजी की बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब उनका तयन होता था वो एक सर्टेन टाइम के लिए होता था और वो एक अच्छा खासा टाइम निकलता था उन कीमतों के साथ, ये जो फॉर्टनाइट चेंजेस हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, इसकी वजह से भी इम्पैक्ट जो है वो नहीं आ पा रहा चीज़ों में, क्योंकि अब हर 15 दिन के बाद एक नई कीमत आ जाती है और 15 दिन के बाद नए रेट्स के ऊपर पैसेंजर्स को या बाकी मामलात को भी एडजस्ट करना वो भी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली चीज़ें हाई रेट्स के ऊपर ही स्टैंड करती हैं। जी, बात ये है कि ये बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि जब एक शॉर्टर पीरियड 2-3 महीने का होता है तो उसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं वो रीएडजस्ट कर लेते हैं अपनी प्राइसेस को। मगर जो ये 15 दिन का है उसमें दो बातें आती हैं, एक तो ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचती उतनी देर तक, जितनी देर तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है रीएडजस्ट होता है तो अगली कीमत आ जाती है। इसमें हम एक और मेन्यू कॉस्ट भी कहते हैं, प्रिंटिंग ऑफ न्यू प्राइसेस ऑन द प्रोडक्ट जो है वो भी तो कॉस्ट है ना जी। तो हर 15 दिन के बाद तो आप नई प्राइस को प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है हमारी बहुत सारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है और हम अनप्रिंटेड करते हैं, तो जब अनप्रिंटेड करते हैं तो फिर कौन बदर करता है कि गवर्नमेंट की प्राइसेस क्या है। बट एट द सेम टाइम आई बिलीव कि ये 2 महीने का होना चाहिए ताकि प्रोड्यूसर जो है वो रीएडजस्ट कर सके, उनको भी अपनी कॉस्ट का पता लगे और वो उस कॉस्ट को नीचे आना या ऊपर जाने को कंज्यूमर तक पास ऑन कर सकें, फिर तो चीजें होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बारीकी से अगर हम ऑब्जर्व करें, मुझे याद है कि 1-1.5 हफ्ता कबल या गालिबन 2 हफ्ते कबल जब बजट की तैयारियां बहुत ज्यादा पीक के ऊपर अब चल रही हैं, तो उस वक्त ये चीजें आ रही थी बाहर कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मद में जो एक्सपेंस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आ रहा है क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ने कीमतों में रिलीफ इसलिए भी दिया है क्योंकि अब बजट आना है तो बजट के अंदर उसके अकॉर्डिंग जो है वो पैसे रखे जाएं, क्योंकि कीमतें आलमी मार्केट में कम होती जा रही थी, यहाँ पर हुकूमत बढ़ाई जा रही थी तो उसका इम्पैक्ट भी बजट पर पड़ रहा है क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे जो है वो लग्जरीज बहुत ज़्यादा है ना, हर बंदे को तो पेट्रोल फ्री चाहिए। आप सही कह रहे हैं, बात यह है कि हमें असल में तो गवर्नमेंट की इन एफिशिएंसीज हैं जो हम ट्रांसलेट कर देते हैं इन पेट्रोल प्राइसेस पे, लेविज एंड सच फॉर। जरूरत थी कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हैं और आप रशिया से भी तेल खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्शन ईयर भी है तो आपको ये रीएडजस्ट करनी पड़ेगी ताकि जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स और इंडस्ट्री वाले वो भी तो शोर मचा रहे हैं ना जी कि हमारी इनपुट कॉस्ट बहुत बड़ी बढ़ जाती है, ये सिर्फ कारों और मोटरसाइकिलों का इशू तो नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट का इशू है, फ्रेट का इशू है, ये बिजली बनाने का इशू है, ये सारा रिलेट होना चाहिए ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आए। तो गवर्नमेंट को ये मेरा ख्याल है एहसास होना शुरू हो गया था थ्रू उनकी जो कंसल्टेशन
चेंबर्स के साथ हुई है कि ये जरूरी है कि किसी न किसी जगह एनर्जी कॉस्ट नीचे है। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा अभी हमारे जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा जी कि इंटरिम गवर्नमेंट 4 माह का बजट देंगी। अब मुल्क के अंदर तो बड़ा कुछ अजीब सा हो रहा है, इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बजट देंगी, किस कैपेसिटी में बजट दे सकती है इंटरिम गवर्नमेंट और क्या हो सकता है उस बजट के अंदर? जी उनका काम है इलेक्शन कराना, मगर उनका काम उस इलेक्शन के लिए पैसे भी रखना। नेचुरली वो कैपेसिटी इतनी ही है कि जितनी फेडरल गवर्नमेंट से, वो टैक्स तो नहीं लगा सकते, सो फेडरल गवर्नमेंट से जो थोड़ा सा पैसा आना है उसी के ऊपर उन्होंने उसको, क्योंकि गवर्नमेंट चलनी है, लोगों की तनख्वाहें और पर्क्स भी मिलने हैं, कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे पिछली गवर्नमेंट ने उसकी पेमेंट करनी होगी। तो और ये भी सही है कि अगली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसके ऊपर प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो ये 4 महीने बहुत ठीक है, मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट को भी यही करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि अभी चूंकि आपने जिस तरह बताया भी कि IMF का जो प्रेशर है, मुस्तकबिल करीब में IMF प्रोग्राम में जाते हैं हम नजर नहीं आ रहे, हमें जरूरत बहुत है, हम नहीं जाते अगले 3-4 माह तक, 5 माह तक या 6 माह तक IMF प्रोग्राम में नहीं जाते, तो 6 माह के बाद हमारी इकोनॉमिक स्टैंडिंग क्या होगी? जो डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं, आपको लगता है कि 6 माह के बाद ये हकीकत हो जाएंगी चीजें? देखिए मार्च 2024 को हमने बहुत सारा कर्जा वापस करना है, हमारे बॉन्ड जो हमने इशू किए हुए थे वो मैच्योर हो रहे हैं। अब सिर्फ इतना नहीं है कि हमें कुछ 5-6 बिलियन डॉलर की जरूरत है, अभी हमें 6 माह तो नहीं, जरा 1 साल में कहीं 39 बिलियन की जरूरत पड़ेगी, और वो उसी वक्त आएगी जब IMF आपको कोई थोड़ी सी एग्रीमेंट करेगा, तो फिर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये मुल्क जो है आपको वो रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। मगर मेरा जो सवाल है वो और है, वो ये है कि जो पाकिस्तानी 30 बिलियन डॉलर भेजते हैं यहाँ और उनकी खिदमत की जाए तो वो आपको 50 बिलियन तक भेज सकते हैं जो हुंडी से भेज रहे हैं, फिर और पाकिस्तानी यूथ अगर ट्रेन करके भेज दी जाए, आप अपने एक्सपोर्ट्स को जरा वाइबल बनाएं, तो आप पूरा कर सकते हैं ये चीजें, मगर मुझे कोई प्लान और डायरेक्शन नजर नहीं आती एटलीस्ट इस गवर्नमेंट की कि हम डॉलर कमा सकें और एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आखिर में बताइएगा, हाउ डू यू सी इसहाक डार एज फाइनेंस मिनिस्टर? सर, आई हैव नेवर बीन, ही हैज नेवर बीन माय फेवरेट पर्सन। मेरा ये ख्याल है कि उनकी ईगो बहुत बड़ी है, मगर उनकी कैपेसिटी टू वर्क उतनी नहीं है। मैं मिफ्ता इस्माइल को ज्यादा बड़ा इकोनॉमिस्ट और बेहतर फाइनेंस मिनिस्टर समझता हूँ इसी गवर्नमेंट के लिहाज से। बिल्कुल, एट द सेम टाइम जब बाकियों को देखते हैं तो शायद सब IMF की डायरेक्शन लेते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट, बट आई थिंक इसहाक डार इज अ फाइनेंशियल मैनेजर, ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट, ठीक करना हुकूमत की जिम्मेदारी भी है और इस वक्त अहम भी है मुल्क के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक मामला बेहतर नहीं होंगे तो चीजों को फर्दर कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। इस दुआ के साथ के मामलात को सीरियसली लेगी गवर्नमेंट और इनको टैकल करने की भरपूर कोशिश करेगी। मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।